जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम अभी पटना के इस्कॉन टेंपल यानी इस्कॉन मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से पटना जंक्शन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। अगर इस्कॉन मंदिर, इसका पूरा नाम की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ, और इसी को इस्कॉन कहते हैं। बिहार की राजधानी पटना में प्रदेश का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 100 करोड़ के लागत से तैयार हुआ भव्य इस्कॉन मंदिर बिहार के धार्मिक क्षेत्र में एक अलग पहचान देता है। इसकी खूबसूरती से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आप जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जैसे ही हमने इसको हेले तो हमने उनके बैग हुए एकदम साइड में कर दिया। हालांकि अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फूल उल है, यहाँ पर चप्पल ये सब रखे के एकदम बड़ा बड़ा स्टैंड एकदम बनल है, काफ़ी मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। और अगर बात करें तो पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर जो कि बिहार में है, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आरती का जो समय यहाँ पर दिया गया है, किस वक्त यहाँ पर आरती होता है। और इसकी खूबसूरती इतनी है इस मंदिर की कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बिहार में पहली बार ऐसा मंदिर देखने को मिला है। ये इतना खूबसूरत है कि उसे हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी हम लोग थोड़ी सी ऊपर की ओर जा रहे हैं, और यहाँ जो खूबसूरती है आप देखिए, आप कितना खूबसूरत सीन है। अगर हम बात करें कि इसकी जो मार्बल है, ये दुधिया मार्बल से बनाया गया है जो कि राजस्थान के मकराना से लाया गया है। ये देखिए कितना बड़ा हॉल है, यहाँ पे प्रसाद जो वितरण होगा, जो बनता है, सब यहीं पे। देखिए आपको इतना बड़ा हॉल दिया गया है कि लोगों को जो है वो अच्छे से प्रॉपर जगह मिले, ये नहीं कि वहाँ पे कचमा कुचमी एकदम जमा हो रहे। हर तरह से इस मंदिर को बेहतरीन ढंग से बनाया गया है ताकि अगर कहीं पर अगर ज़्यादा भीड़ भी हो जाए तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह देखिए टेंपल हॉल है यहाँ पर, यहाँ पर काफ़ी नक्काशी हमको देख करके काफ़ी हमको अच्छा लगा। टेम्पल हॉल में जाने के लिए यहाँ से ऊपर की ओर हम लोग जाएंगे, क्योंकि जो मंदिर है वो ऊपर है, सेकंड फ्लोर पर है, तो हम लोग देखिए ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर, इंफॉर्मेशन सेंटर इस्कॉन पटना। यहाँ पर आपको कोई भी पूछताछ करना हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक अलग से इंफॉर्मेशन सेंटर भी दिया गया है, ये देख सकते हैं। आपको चारों पट्टी का व्यू जो है वो आपको दिखा रहे हैं, और जो मेन मंदिर है वो इसी के अंदर है। देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यही मंदिर है जो कि मेन मंदिर है यहाँ पर। अभी कुछ पीछे की तरफ जो बन रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंदिर है मेन यही है। अंदर कैमरा उमरा करना वर्जित था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत कर करके हम लोग थोड़ा बहुत बोले कि थोड़ा सा ले लो, तो ही हम लोग थोड़ा बहुत क्लिप उठाए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर कैमरा उमरा सब कुछ बंद था। क्योंकि जो खूबसूरती है वो कैमरे पे आपको उतना अच्छा नहीं दिखाई देगी जितना ये रियल में है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश किए हैं, और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको क्लिप देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए यही है फाउंडर एंड चीफ, आप देख सकते हैं ओरिजिनल नहीं है, ये मूर्ति है। देखने में आपको एकदम ओरिजिनल की तरह लगेंगे, एकदम रियल की तरह लगेंगे। और काफी ज्यादा हर किसी चीज का जो होता है वो बहुत भूत भविष्य वर्तमान होता है, लेकिन अगर इस मंदिर की, इस कौन मंदिर की भी चर्चा करें तो काफ़ी ज़्यादा इतिहास भूगोल है। लेकिन इस वीडियो में आपको हम सीन आपको हम जो दिखा रहे हैं वो क्लिप दिखा रहे हैं, आप देखिए घर बैठे आप देखिए, और ज़्यादा हम कुछ बताएंगे नहीं। आप जा कर के गूगल भी है, गूगल बाबा पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है जिसे
लोग काफ़ी परिक्रमा भी करते हैं। आसपास मंदिर के जो चारों तरफ का परिक्रमा है वो पूरा करने के लिए अलग से देखिए स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ शुरू में ही हम बता चुके हैं कि मंदिर को एक बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ को आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे वह परिक्रमा मार्ग हो चाहे वह चढ़ने के लिए हो। चढ़ने के लिए एक अलग से बे दिया गया है, रास्ता दिया गया है, उतरने के लिए एक अलग से रास्ता दिया गया है। अगर अचानक से मंदिर में अगर 100 लोग 200 लोग आ जाते हैं तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मंदिर का स्पेस काफ़ी बड़ा है और इस मंदिर को बनाने में काफ़ी तकरीबन 12 से 16 साल के करीब लग भी गया है, तो इतना साल लगेगा तो जाहिर सी बात है कि अच्छा तो होगा ही। फिलहाल आप आनंद लीजिए, आप देखिए व्यू देखिए, आप पूरा घर बैठे ही देखिए इस्कॉन टेम्पल पटना का। जितना हम लोगों ने कोशिश किया उतना हम लोगों ने वीडियो बना लिए हैं, आप कवर हम लोग कर लिए हैं। आप देखिए, आप खूबसूरती आप देखिए इस मंदिर का, तो आप देखिए। फिलहाल हम लोग मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में इसी मीठा आदमी के साथ, तब तक आप देखिए, इंजॉय कीजिए।